बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे और इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम लीनियर सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज 1, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल्स, नंबर 1, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है। इसी तरह इन जनरल लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन इज इक्वल टू बी। तो आप देख सकते हैं ये n वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग सेम वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और लीनियर सिस्टम। मतलब कि सेम वेरिएबल्स की दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस के ग्रुप को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, 7x1 माइनस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 2। एग्जाम्पल नंबर 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं उसमें, और तीनों सेम है। मतलब कि इस लीनियर इक्वेशन में x1 x2 x3 है, और इसमें भी x1 x2 x3 है, और इसमें भी x1 x2 x3 है। मतलब सेम वेरिएबल्स की तीन लीनियर इक्वेशंस के इस ग्रुप को हम लीनियर सिस्टम कह रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं सेम वेरिएबल्स हैं, इसमें भी एक्स वाई और जी है, और इसमें भी एक्स वाई और जी है। दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो सेम वेरिएबल्स की दो लीनियर इक्वेशन के इस ग्रुप को हम लीनियर सिस्टम कह रहे हैं। जनरल लीनियर सिस्टम, ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू अप टू सो ऑन ए वन एन एन एक्स एन इज इक्वल टू बी वन एंड ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू अप टू सो ऑन ए टू एन एक्स एन इज इक्वल टू बी अप टू सो ऑन ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू अप टू सो ऑन ए एम एन एक्स एन इज इक्वल टू बी एम। तो ये हमारे पास एक जनरल लीनियर सिस्टम है जिसमें m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज अ जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन की, लेकिन इससे पहले हमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, x प्लस टू इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, उस इक्वेशन के वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसमें आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 है, इसमें 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ x की जो वैल्यू है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
इसी तरह लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन उस सिस्टम के वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती हैं जो उस सिस्टम के हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम है जिसका सपोज ये सोल्यूशन है जिसमें तीन वेरिएबल्स है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और दो लीनियर इक्वेशन थी। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का जो सोल्यूशन आ रहा है 5, 6.5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स टू इज इक्वल टू 6.5 एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू 3। तो अगर तो इस सिस्टम के जो वेरिएबल्स की वैल्यूज इस सिस्टम की हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन सेट है इस सिस्टम का। मतलब कि 2x1 माइनस एक्स टू प्लस 1.5 एक्स थ्री इज इक्वल टू 8। एक्स वन की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस एक्स टू हमारे पास 6.5 और एक्स थ्री हमारे पास 3। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ये इक्वल आ रहे हैं, एक्स की ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं, एक्स वन माइनस 4x3 इज इक्वल टू माइनस 7। एक्स वन की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस एक्स थ्री की वैल्यू 3, 5 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7। तो अभी आपने देखा इस सिस्टम में तीन वेरिएबल्स थे जिनकी 3 वैल्यूज आई और इन वैल्यूज ने इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब ये हुआ ये इस सिस्टम का सोल्यूशन सेट है। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि लीनियर सिस्टम के सोल्यूशन में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कौन सी कि उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दूसरी कौन सी कि उस सिस्टम का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, और तीसरी कौन सी कि उस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अ लीनियर सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर सिस्टम है जिसमें सेम वेरिएबल्स की दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब कि हमें वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज नहीं मिलेंगी जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो जैसे कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इस सिस्टम का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मतलब कि ऐसी दो पैरेलल लाइंस होंगी जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अ लीनियर सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर सिस्टम है इसमें सेम वेरिएबल्स की दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन ये होगा ऑर्डर पेयर ऑफ 2, 3। मतलब कि एक्स वन इज इक्वल टू 2 और एक्स टू इज इक्वल टू 3। मतलब कि सिस्टम की ये वेरिएबल्स की ये वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। इस सिस्टम का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं जो एक दूसरे को सिर्फ इस पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि शो कर रहा है कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है सिर्फ एक ही है जो क्या है 2, 3। पॉसिबिलिटी नंबर 3, अ लीनियर सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो सेम वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी इसके सोल्यूशंस होंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इस लीनियर सिस्टम का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने लीनियर सिस्टम को डिफाइन किया और उसके सोल्यूशन पर बात की। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।